करो, नीचे करो, एटी नीचे करो भाई। मार्शल आर्ट के बल के बल में पुराने शहर में या शहर में पानियों में शामिल होता है और स्टार गार्ड एक क्लब से बहुत से वर्षों 45 साल से लोगों को इस स्पोर्ट्स फाइट से लोगों को इससे वाबस्ता है और वो बल के मैं कहूँगा कि मार्शल आर्ट में हैदराबाद में बल्कि एक लेजेंड है जावेद साहब और उनकी जेर क़यादत आज एक नया स्टार कराटे क्लब की तरफ से MMA मुख्तलिफ फन का यहाँ पर जिमनेजियम का इफ्तिताह किया गया है और मुझे यकीन है कि आपके जो साहबजादे हैं, आपकी जो टीम है, वो बड़े ही काबिल हैं और बैन अल-अक़वामी और नेशनल अवार्ड आपके फर्जन जीते हैं, आपकी जो यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल की और जीत कर लाए हैं और मुझे यकीन है कि हो चार मीनार बल्कि पूरा नौजवान वो इस वाबस्ता होंगे तमाम लोग अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखें और ख़ास तौर से हम देखते हैं कि कोविड के आने के बाद बहुत से लोग जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थे, मुख्तलिफ अमराज का शिकार थे, जो अंग्रेजी जो स्पेटिक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल एक्सरसाइज नहीं करते थे, उन लोगों के लिए बहुत परेशानियां हुई, बहुत कमज़ोर हो गए कोविड के बाद। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और इसमें ये ना समझें कि ये सिर्फ 20 से 35 साल के लोगों को ही अपनी सेहत का ख्याल रखना है, बल्कि जब अल्लाह ने हम तमाम को ज़िंदगी दी है तो हम सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, चाहे वो मर्द हो, ख़वातीन हो, नौजवान हो, क्योंकि ये वायरस का सिलसिला इस दुनिया में ख़त्म होने वाला नहीं है। यकीनन हम तमाम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि नई वैक्सीन आ रही है उससे इंशाअल्लाह ताला पूरी इंसानियत को उससे फ़ायदा होगा, मगर हैदराबाद में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हैदराबाद सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं, सबसे ज़्यादा कार्डियक हार्ट के पेशेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा डायलिसिस के पेशेंट हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने सेहत का ख्याल रखें, इस तरह के जो सेंटर्स खोले जा रहे हैं उससे अपने आप वाबस्ता करें, अगर वो भी नहीं करें कम से कम हमको दिन हफ्ते में 3-4 दिन कम से कम एक दिन निकालें, 30-35 मिनट वॉकिंग करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि याद रखिए कि अगर हम सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो जो बीमार पड़ने के बाद जो खर्चात बर्दाश्त करने पड़ते हैं अस्पतालों में, एक आम आदमी के लिए मकरूज़ हो जाता है ज़िंदगी भर के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें और सेहत का ख्याल इसलिए भी रखना ज़रूरी है कि हम अल्लाह की इबादत कर सकें, नेक काम कर सकें, हमारे माँ बाप की खिदमत कर सकें, औलाद को सही तरबियत दे सकें, क्योंकि अगर कोई अपनी जवानी में बीमार पड़ जाता है तो उसका बहुत बुरा असर उनके ख़ानदान पर, उनके औलाद पर, सब पर पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस तरह के जो सेंटर्स खोले गए हैं इन लोगों की हम हिम्मत अफज़ाई करें, इनकी हौसला अफज़ाई करें और नौजवान हो या ज़ईफ़ हो, इस तरह के एक्सरसाइज में उम्र का कोई कैद नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग तमाम से उम्मीद है कि आप तमाम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और मैं जावेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से हमारे इरफान बसमती साहब। मैनेजिंग पार्टनर ऑफ स्टार मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस क्लब इंदिरा का आज अल्हम्दुलिल्लाह चामिनार के दामन में जो अलीजा कोटला एरिया है वहाँ पर फोर्थ फ्लोर पर माशाल्लाह यहाँ पर बेहतरीन सेटअप किया गया है, प्रॉपर प्रोफेशनल मार्शल आर्ट सेटअप जिसमें आपको प्रॉपर MMA केज और मोई थाई बॉक्सिंग विथ रिंग, कराटे, जोडो, जिजिट्सु, ब्राजीलियन जिजिट्सु, सेल्फ डिफेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्रॉसफिट और स्पेशली सेल्फ डिफेंस फॉर गर्ल्स एंड वेट लूज। इसमें आपको कई किस्म के एक मार्शल आर्ट्स मिलेंगे आपको यहाँ पर 6 ट्रेनर से अंडर दी गार्डियनशिप ऑफ ग्रैंड मास्टर MS जावी, द फाउंडर ऑफ स्टार कराटे क्लब एंड MR शायद जिजिट्सु
इंडियन कोच एंड MI नेशनल असिस्टेंट कोच, और इसके ये क्लब के पार्टनर का नाम है जनाब सलमान बिन सुल्तान मस्कती, मैनेजिंग पार्टनर ऑफ स्टार मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस क्लब। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार क्लब तकरीबन 51 इयर्स हो चुके हैं, 1969 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। इसके फाउंडर हैं जनाब हाफिज उखारी अलहाज मोहम्मद सलाउद्दीन जावी साहब, जो खिताब दिया गया है सैफ मिल्लत, यानी मिल्लत की तलवार। इनके हाथ के नीचे माशाल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना बल्कि तेलंगाना बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और नाम कमाए हैं, और अपने उस्ताद का और अपने माँ बाप का और अपने कंट्री का। स्टार का यही एम है कि इंडिया के यूथ को यानी नौजवानों को इंडिया के स्ट्रॉन्ग बनाना और इंडिया का नाम रोशन करना। तो हमारे कई सारे फाइटर्स बहुत सारे डजन्स ऑफ नेशनल चैम्पियनशिप में उतरे हैं और कई सारे मेडल्स भी लेके आए। तो हम लोगों का एम है 2021 में इंशाल्लाह फॉर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे कौन सी भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पर आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, एडमिशन लीजिए। यहाँ पर एक आपको वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मार्शल आर्ट मिलेगा। प्रॉपर 6000 स्क्वायर फीट पे है यहाँ पर, अराउंड आपको 700 गज पे। किस एरिए में? ये अलीजा कोटला मस्कती सुपर मार्केट, फोर्थ फ्लोर टॉप रूफ पे। ये जो क्लब है तेलंगाना और आंध्रा का सबसे बड़ा क्लब है अल्हम्दुलिल्लाह। और बात लोग भी यही बोल रहे हैं कि इंडिया में कहीं ऐसा सेटअप नहीं देखे, तो आप लोग आइए। गुजारिश करता हूँ मैं मस्कती के पूरे फैमिली का शुक्रगुजार हूँ, जो माशाल्लाह आप हमारे पार्टनर भी है और मस्कती साहब से ज़माने से जावी साहब के ताल्लुकात है, तो इंशाल्लाह ता ख़यामत तक ताल्लुकात भी रहेंगे। ऐसे लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और हमारा एम सिर्फ यही है कि हर हिंदुस्तानी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा बनना चाहिए। बस आपकी लैब की टाइमिंग क्या है? स्विमिंग क्या है? टाइमिंग टाइमिंग इसकी रहेंगी इंशाल्लाह मॉर्निंग 6:30 टू 10 o'clock, और इवनिंग मगरिब यानी 6:30 से लेके इवनिंग 10 o'clock। और इंशाल्लाह हम लोग एक विदिन वन वीक वी आर स्टार्टिंग ए लेडीज प्रॉपर सेपरेट बैच फॉर लेडीज फिटनेस एंड सेल्फ डिफेंस। या वी हैव ऑफर्स लाइक 40% बिफोर इनॉग्रेशन, तो 40% ऑफर रहेगा उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन टिल इनॉग्रेशन खत्म। आपके फीस क्या रहेगी? अलग रहेंगी या नहीं? स्टार्टिंग जो फीस रहेगी यहाँ पर कराटे की जो फीस है 1200 rupees है, जो ऑफर एक्चुअल 2000 है, तो 40% ऑफ में आपकी 1200 है। उम्र की कोई हैद है क्या भाई? नहीं, उम्र की कोई हैद नहीं है इसमें, आपको 5 साल से लेके 60 साल का बुढ़ा भी कर सकता है माशाल्लाह, बुजुर्ग जो भी है। तो जो बंदा यानी एग्जाम्पल आई एम 25 years old, जो मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, तो वो 50 साल का आदमी नहीं कर सकता, तो उसके अलग अलग एक्सरसाइज बने हुए हैं। तो वैसा अलग से पूरा इंटरनेशनल लेवल पर सेटअप किया गया है। मैं फिर से आवाम से गुजारिश करता हूँ तेलंगाना की और खासतर हैदराबाद की, जो ओल्ड सिटी और जितने भी हमारे काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आइए, सेहत बनाइए, वक्त ज़ाया मत करिए। और दूसरी चीज़, इस्लाम में ताकतवर अल्लाह ताला मुसलमान महबूब है ताकतवर इतना अच्छा क्लब डाले हम लोग। हम लोग चाह रहे हैं आज के आवाम के लिए, यंग से यंग बच्चा, हरे से बड़ा बच्चा, आज अहिती रहे और अपने आगे हमारे के जितना हो सके फिटनेस गुजार। आपको कैसा महसूस हो रहा है आपके पास क्लब पढ़ा आपके एरिया में? बस दुआ है कि पूरे जैसे यहाँ पे हमारे एरिया में सेहतमंद रहे, बस वही दुआ है। और जैसे हमारे बस उनकी मेहनत है, फिट रहे, जिम ज्वाइन करें, ये भी जिम के साथ जिम से अच्छी ट्रेनिंग है। देखा गया तो आप लोग जिम में जाके जितने बड़े बड़े मसल थे वो है, ये उससे कम नहीं है, ये आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये कुदरती ताकत बढ़ाने के लिए। आप वहाँ जाके जिम में जितने खाली बड़े बड़े मसल खाली दिखावे के हो गए, खाली इंजेक्शन हो गए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपकी
जो मेहनत रहेगी पूरी नेचुरल तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं एकदम वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स है माशाल्लाह। जितने भी ट्रेनर्स हैं हमारे नवीन भाई सुबान भाई पूरे वर्ल्ड में जाके शिकायत हुई अल्हम्दुलिल्लाह साहिब भाई जितने भी हमारे सुबान भाई जो है मौत आई नवी भाई मौत आई हमारे साहिब भाई MMA और हमारे ग्रांड मास्टर माशाल्लाह ब्लैक बेल्ट पूरी वर्ल्ड में फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह। आज उनकी ब्रांचेस जिद्दा में जाइए दुबई में जाइए जहाँ भी गए उनके आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे माशाल्लाह। बस वो भाई बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ मिलकर इतना अच्छा क्लब को तामीर। और मैं करता हूँ पूरे मीडिया प्रेस मीडिया जो माशाल्लाह हर इवेंट में कामयाब करते हैं दिल की गहराइयों से आप तमाम का स्टार क्लब की जानिब से ऑन बिहाफ ऑफ स्टार मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस क्लब एंड स्टार कराटे क्लब की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कराटे क्लब चला रहे हैं आज कोटे अलीजा के अंदर हमारे सुल्तान मस्कती की बिल्डिंग में 6000 स्क्वायर फीट पर कराटे क्लब का इनाग्रेशन हमारे नसीब मिलत बैरसुद्दीन अवीज साहब के हाथों अमल में आया। और MMA विद के कराटे जुजुत्सु बीजेजे किकबॉक्सिंग बॉक्सिंग क्रॉस फील्ड एंड मिड डिस्टेंस ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस फिजिकल फिटनेस जूडो वेट लॉस तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हमारे सलमान मस्कती भी इसके पार्टनर हैं बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जावेद भाई मेरे लिए कोई नया आदमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और जावेद भाई के 50 साल से ज़्यादा अरसे से मेरे ताल्लुकात हैं। मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पुराने शहर के अंदर जावेद भाई आज 50 साल से जो कराटे क्लब चला रहे हैं बहुत सारे लोग इस कराटे के लाइन में आए लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई सक्सेस हुए। हमारे जावेद भाई अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हुए और बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी जाकर आपने बहुत सारे कराटे के प्रोग्राम करवाए और बहुत सारे इस कराटे क्लब से बहुत सारे बच्चे ब्लैक बेल्ट और जो भी इंटरनेशनल लेवल पर तेलंगाना में भी इंटरनेशनल मेडल हासिल किए। मैं मेरी जानिब से और इस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हमारे जावेद भाई साहब को और तमाम इनके जिम्मेदार